मैं हूं निगत असलम और आज का मौजू वादिय सिंध की तहजीब का बैरूनी तहजीबों के साथ ताल्लुक है। सिंध की तहजीब अलग थलग तहजीब नहीं थी बल्कि अपनी हम असर तहजीबों के साथ इसके करीबी रवाबत थे। इन रवाबत का सबूत वो मोहरें हैं जो दूसरे मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ्त हुई थी। इस सिलसिले में 30 मोहरें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं मगर इन तमाम की मुकम्मल तफसील नहीं मिलती है। 12 मोहरें ऐसी हैं जिनका ज़माना भी मालूम है और ये भी इल्म है कि इनका ताल्लुक वादी सिंध से था। मिस्टर गैड ने वादी सिंध की तर्ज की 16 मोहरों और बाबल की 2 मोहरों का भी जिक्र किया। इसके अलावा 8 मोहरें ऐसी हैं जो कुछ सूस लगाश और तिल अस्मिट से मिली हैं। इन्हीं मोहरों से मिलती जुलती एक मोहर मूसल के करीब टेप वारा और एक शयाम से भी दरियाफ्त हुई है। जो मोहरें वादी सिंध की मोहरों से मिलती जुलती हैं इनमें मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें हैं और वादी सिंध जैसा रस्म खत है। जिन तहों से ये मोहरें बरामद हुई हैं उनका ज़माना वादी सिंध के ज़माने से ताल्लुक रखता है। मोहरों के अलावा वादी सिंध जैसे सरूख भी तिल असमारा की अकादी दौर की तहों से मिले हैं और ये बर्तन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते। बिलाशुबा ये बर्तन यहीं से गए होंगे। अरकश और लगाश में बर्तनों के ऐसे टुकड़े दरियाफ्त हुए जो मोहनजोदाड़ो से मिले थे। पेगट का बयान है कि ऐसे बर्तन सिर्फ मकरान और सिस्तान में बनाए जाते थे और फिर उन्हें मशरकी और मगरबी ममालिक में बरामद किया जाता था। कुछ बर्तन पत्थर से बनाए जाते थे जिसमें खानादार मसलस नक्कूश बनाए गए हैं जो चकोर और इस्तवानी तर्ज के हैं। कुछ के 4 खाने भी बने हुए हैं और इन्हें वो मसाले और इस किस्म की दूसरी चीज़ें डालने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मोहनजोदाड़ो की बलाई तहों से मिले हैं। कीमती पत्थरों से बने हुए मन के वादिय सिंध और तिल असमार के अकादी दौर के लोग एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते थे। ये तमाम सबूत इस बात के गुमाज हैं कि वादिय सिंध और मगरबी ममालिक में 2300 और 1700 काफ मीम के दरमियान बहुत गहरे रवाबत थे और हर तरह के सामान की दरामद और बरामद की जाती थी।